एवरीवन, दिस इज नीरज गर्ग फ्रॉम पिनाकल वास्तु पटियाला। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे एक सीरियस हेल्थ इशू ब्रेन क्लॉट के बारे में। ब्रेन क्लॉट वो प्रॉब्लम है जो अपने ट्रीटमेंट में बहुत टाइम लेता है। अगर किसी पर्सन को ये प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक इसके ट्रीटमेंट में चलता है, और वो भी ट्रीटमेंट कब सक्सेसफुल होता है ना तो उसको खुद पता होता है ना ही डॉक्टर्स को पता होता है। बट अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए एक बार अपने किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, हो सकता है आपको थोड़ा सा जल्दी रिलीफ मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि वास्तु से हम ब्रेन क्लॉट जैसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्चुअली ब्रेन क्लॉट जो होता है वो हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट के डिस्टर्ब होने की वजह से आता है। जब हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टर्ब करते हैं तब हमारे घर में जैसे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है। ऐसा ही मैं आपको अपनी केस स्टडी से शेयर करती हूँ। मैंने भी ब्रेन क्लॉट का एक केस किया था और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, बहुत जल्दी भी आया था। विदिन वन वीक मेरा क्लाइंट उस ब्रेन क्लॉट से कम्प्लीटली रिलीफ पा चुका था। तो इस तरह से अगर आपको वास्तु में कोई प्रॉब्लम का हल मिल जाता है तो वास्तु में उसका रिजल्ट 100% आता है। हरियाणा में मेरे एक क्लाइंट थे, उनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि उनके जो बेटे हैं उनके ब्रेन में क्लॉट था। ब्रेन में क्लॉट की वजह से उनको ब्रेन में 2 स्ट्रोक आए। जब पहला स्ट्रोक आया तो उनकी एक लेग ने काम करना बंद कर दिया, जो कि 4 साल पहले आया था। जब दूसरा स्ट्रोक आया जो कि आज से 5-7 महीने पहले आया था, तो उनकी दूसरी लेग ने भी काम करना बंद कर दिया। और उनका बेटा व्हील चेयर पर था, उसकी एज भी 25-26 साल की होगी, वो किसी जॉब में भी था। तो उनको किसी ने बोला कि आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके देखिए, आप इतने टाइम से इतना ट्रीटमेंट करवा रहे हो और इसको इतना फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्या पता एक वास्तु कंसल्टेंट आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन दे दे कि आप थोड़ा सा ठीक होने लग जाओ। तो वो मेरे पास आए, फिर उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे करके हमारे जो बेटे को प्रॉब्लम आ रही है। तो उन्होंने अपने घर में विजिट के लिए भी बुलाया। जब मैं उनके घर विजिट के लिए गई तो मैंने क्या देखा कि उनके जो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एक फ्रेम लगा रखा था, एक फ्रेम जहाँ पर उनकी जो कुछ फैमिली पिक्चर थी उसको लगाया हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। वैसे तो काफ़ी थी, उनके 3-4 पिक्चर्स लगी हुई थी उनके नॉर्थ ईस्ट में। बट मैंने कुछ, हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमारी कुछ स्टडीज़ होती हैं, हम कुछ टाइम लेवल के हिसाब से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो आपने फ्रेम लगाया है इसको आप, इसकी जो कील है उसको निकाल के उसमें वाइट सीमेंट फिल कर दो, इससे आपका जो ब्रेन क्लॉट है वो ठीक हो जाएगा। तो एक बार के लिए तो क्लाइंट को भी लगता है कि एक कील निकाल के अगर हम वाइट सीमेंट भर देते हैं क्या इससे ब्रेन क्लॉट ठीक हो जाता है। यस, अगर मतलब कि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब उन्होंने मेरी बात मानी, वो केल निकाल के वहां पर उन्होंने जब व्हाइट सीमेंट फिल कर दिया, विद इन 2-3 डेज उनके जो बेटे में उनको चेंजेस नजर आ रहे थे, चाहे वो थोड़ी सी नेगेटिव आ रही थी चाहे पॉजिटिव आ रही थी, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी आ रहा था तो उनको ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कुछ गलत ट्रीटमेंट करवा दिया, एक बार के लिए तो ऐसे भी लगता है। बट जैसे ही उन्होंने 40s के डॉक्टर से कंसल्ट किया, आफ्टर 5-6 डेज उन्होंने जब कंसल्ट किया, डॉक्टर्स ने क्या किया, 2-3 दिन में उनके पूरे जो टेस्ट थे, जो पूरी उनकी जो थ्योरी थी, जो भी उस पर जो वर्क करना चाहते थे, उन्होंने अपने बहुत वर्किंग की, उन्होंने MRIs की, सब कुछ किया। और एंड ऑफ द डे आफ्टर 7 डेज उन्होंने मेरे क्लाइंट को एक क्लीन चिट दे दी कि आपके ब्रेन में क्लॉट ही नहीं है, बिल्कुल 100% कोई क्लॉट नहीं है, आप बिल्कुल ही इस ब्रेन क्लॉट से अच्छी तरह से रिलीफ पा चुके हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत सक्सेसफुल केस था। इवन कि वो जो व्हील चेयर पर थे, 3-4 मंथ्स में उनकी फिजिकल थेरेपीज हुई, उनका सब कुछ हुआ, ट्रीटमेंट चला,
तो 3 to 4 month में वो अपने पैरों पर भी चलने लग गया, क्योंकि जब ब्रेन का क्लॉट ठीक हो गया तो उनकी जो लेग्स थी उनमें भी इम्प्रूवमेंट आने लगी, वो भी वर्किंग में आने लगी, उन पर भी जो वास्तु ट्रीटमेंट था वो वर्क कर रहा था। इसी तरह से अगर आपके कोई प्रॉब्लम आती है और वो वास्तु से मैच होती है, अगर आप उस प्रॉब्लम को ट्रीट कर लेते हो तो आपको रिजल्ट 100% आते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल केस था। अगर आपको भी किसी तरह से ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज आती हैं, कोई मेजर आती हैं, कोई आपको छोटी हैं बड़ी हैं कैसी भी हेल्थ इश्यूज आती हैं, हेल्थ इश्यूज से हमें क्या होता है कि हम वर्किंग में नहीं आ पाते और हमें प्रॉब्लम तो होती है, हम अपने रूटीन को सेट नहीं कर पाते, हम अपने बिजनेस को सेट नहीं कर पाते। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने जो भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको क्योर करके रखें। आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, आप किसी वास्तु कंसल्टेंट से भी कंसल्ट कीजिए। देखिए, वास्तु कंसल्टेंट जो आपको सोल्यूशन देते हैं उसके बाद डॉक्टर का सोल्यूशन तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर के सोल्यूशन से ही आपको रिकवरी होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप अपनी प्रॉब्लम के लिए वास्तु ट्रीटमेंट करवा लेते हो उसके बाद आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट लेते हो तो वही डॉक्टर का ट्रीटमेंट आपको बहुत जल्दी लगने लग जाता है। तो इसीलिए आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप गौर करें, उसको आप ध्यान दें। अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं लग रही है, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, तो एक बार उसके लिए आप अपने किसी नियरेस्ट वास्तु कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच।